क्या मायावती का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होगा? दोस्तों, अगर आप मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मायावती यूपी में पिछले दिनों चुनाव बुरी तरह हारी हैं। लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने की चर्चा शुरू हो गई है। राजनीति में सपने हकीकत से ज़्यादा करामाते दिखाई देते हैं। सपा के अखिलेश यादव के साथ सुलह के बाद मोदी सरकार के खिलाफ बन रही विपक्षी एकता की एक नेता के रूप में उभरी रही मायावती की सियासत दोबारा परवान चढ़ाई दिख रही है। वे देश की पहली दलित प्रधानमंत्री और दूसरी महिला प्रधानमंत्री के सपने को भरपूर हवा देना चाहती हैं। वे जानती हैं कि उनकी इस वक्त वाली छवि में काम नहीं चलेगा, इसके लिए उन्होंने अपनी छवि को बदलने का प्रयास शुरू कर दिया है। लेकिन इससे पहले भाजपा शासित तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बसपा और कांग्रेस का साझा प्रदर्शन अहम भूमिका निभाएगा। इन राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है। तीन राज्यों में भाजपा सरकार में माना जा रहा है कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगी। इन राज्यों के कुछ हिस्सों में सपा और बसपा की ठीक ठाक मौजूदगी है और कांग्रेस के साथ इन दोनों की साझेदारी होने पर विपक्षी गठबंधन की ताकत बढ़ने के आसार हैं। कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार बनने के मौके पर विपक्षी एकजुटता के प्रदर्शन के तुरंत बाद मई के आखिरी हफ्ते में लखनऊ में हुई बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबसे ज़्यादा बोला गया जुमला दलित प्रधानमंत्री ही था। धन्यवाद।